नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 21 से 25 सितंबर 2022 के प्रश्नों को कवर करेंगे और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 16 से 20 सितंबर के प्रश्न को। तो पहला प्रश्न था कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के निम्न में से कौन शहर शामिल हैं, तो इसमें वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर ये तीनों शामिल हैं, तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में नो बैग डे अनिवार्य किया जाएगा, तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 16 सितंबर। आगे है, वर्ष 2022 में बांस दिवस की थीम क्या है, तो इसका आंसर है #plantbamboo। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रश्नों को देख लिया है 16 से 20 सितंबर तक के। अब चलते हैं सीधे करंट अफेयर पे, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार न्यूज को कवर किया जाता है और अंत में एक सेगमेंट आता है आज के प्रश्न का, जिसमें 4 से 5 प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले इंटरनेशनल न्यूज को। इसमें पहला न्यूज है कि 10वीं भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच यानी इब्सा त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित हुई है। ठीक है, और इब्सा क्या है, तो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका गठन 2003 में हुआ था, ब्राजीलिया घोषणा पत्र के माध्यम से गठन हुआ था और भारत 2022 में 6वें इब्सा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि मलावी ट्रैकोमा का उन्मूलन करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक है, कौन, मलावी, और ज्ञात हो कि भारत ने वर्ष 2017 में ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया था। तो WHO के अनुसार सक्रिय ट्रैकोमा को उस स्थिति में समाप्त मान लिया जाता है जब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में इसके सक्रिय संक्रमण का प्रसार 5% से कम पाया गया हो। ठीक है, और ट्रैकोमा जो है वो आंख का संक्रमण है, ये पता ही होगा आप सभी को, और ये क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। अब आगे है, दक्षिण एशिया के 5 देशों ने एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA का गठन किया है। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, और इसका गठन दक्षिण एशिया में पाम ऑयल के 5 बड़े आयातक देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघ ने किया है और भारत का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन इसके सचिवालय का प्रबंधन करेगा और सबसे बड़ा आयातक देश भी भारत है, ये एक फैक्ट था, इसको याद रखना चाहिए हम लोगों को। आगे देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अदृश्य संख्याएं गैर संचारी रोगों का वास्तविक प्रसार रिपोर्ट जारी किया गया है। तो प्रश्न सीधा बन सकता है कि अदृश्य संख्याएं गैर संचारी रोगों का वास्तविक प्रसार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई नौ सैनिक अभ्यास काकाडू में भारत सहित 14 देशों ने हिस्सा लिया और यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। ये पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ष आयोजन होता है या फिर 2 वर्षों पे आयोजन होता है, तो ये द्विवार्षिक अभ्यास है, याद रखना है। आगे चलते हैं, वर्ष 2023 के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसका विवरण है, पहला कि जीव विज्ञान श्रेणी में किसको क्या मिला है, किसे मिला है, तो नार्कोलेप्सी के कारणों की खोज और प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए मिला है ब्रेक थ्रू पुरस्कार। गणित में मिला है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान व गणित की खोज के लिए और भौतिकी में मिला है क्वांटम सूचना से संबंधित कार्य हेतु। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल न्यूज कवर हो चुका है, अब हम लोग नेशनल न्यूज पे चलते हैं। तो यहाँ पे है कि हाल ही में हरिजन सेवक संघ का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए की थी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और आगे है कि 24 सितंबर को मैडम भिकाजी कामा की जयंती मनाई गई और उन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुगार्ट में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रथम संस्करण को फहराया था। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है और अधिकांश समय पूछा ही जाता है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए। और मैडम भिकाजी कामा अभिनव भारत समाज की सक्रिय सदस्या थी और इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। अब आगे हम लोग चलते हैं कि 27 सितंबर से उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से वर्तमान पोषण माह 2022 के दौरान 4.1
4.37 लाख, यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे आप लोग, 4.37 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं की स्थापना की है। ठीक, नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने शहर में 5,000 एकड़ से अधिक 5,000 एकड़ से अधिक धान के खेतों में पूसा बायोडिकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव करने की घोषणा की है। और पूसा बायोडिकम्पोजर कवक आधारित तरल घोल होता है और इसे ICAR द्वारा विकसित किया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट है, सुरक्षा बलों ने पहली बार छत्तीसगढ़ व झारखंड के बूढ़ा पहाड़ सीमा क्षेत्र को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करा दिया है। ठीक है, और आगे है, हाल ही में रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा को पीएम केयर फंड्स के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो तीन लोगों को नियुक्त किया गया ट्रस्टी के रूप में पीएम केयर फंड के, किनको? तो रतन टाटा जी को, केटी थॉमस को और करिया मुंडा जी को। और रतन टाटा टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष हैं, केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और करिया मुंडा पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष हैं। और पीएम केयर फंड को कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान स्थापित किया गया था, ये हम सभी को ज्ञात होना चाहिए। आगे है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने बाल लैंगिक शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार और साझाकरण के विरुद्ध मेघ चक्र नामक एक प्रमुख ऑपरेशन शुरू किया है। तो कौन सा ऑपरेशन किस विषय से संबंधित है ये पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे है कि केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लोकटक झील मणिपुर में तैरती हुई फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। अगली खबर है कि हाल ही में उत्तरी सिक्किम में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार AMR स्थापित किया गया है। यह हिमस्खलन के सक्रिय होने के 3 सेकंड के अंदर उसका पता लगाने में सक्षम है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शहरों की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये नेशनल न्यूज कवर हो गया। अब हम लोग चलते हैं बिहार से संबंधित न्यूज पे। इसमें पहला जो न्यूज है वो है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार अब बिहार में विधायकों को प्रतिमाह 2500 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। और हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते व पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन किया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा था। और बाकी ये प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली है, तो ये है 2500 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। और आगे चलते हैं अब हम लोग, गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बिहार के चक्रबंधा व भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों को नक्सल मुक्त करा दिया गया है। आगे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरियाली क्षेत्र 17% करने हेतु पौधारोपण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है कि 15 नवंबर 2022 से इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन में राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पहचान लहठी भेंट की जाएगी। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर जिले का है और लहठी भेंट किया जाएगा वहां पे। और केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में मुजफ्फरपुर की लहठी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये बिहार के लिए गौरव की बात हो गई। आगे चलते हैं कि गैस आपूर्ति व्यवधान को दूर करने हेतु गेल इंडिया लिमिटेड ने पटना के उपभोक्ताओं हेतु सहज ऐप लॉन्च किया है। तो ऐप से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं BPSC PT में, तो ये ध्यान रखना है कि सहज ऐप किसने लॉन्च किया है, तो गेल इंडिया लिमिटेड ने। आगे चलते हैं कि हरहा नदी में दुर्लभ प्रजाति की मछली माउथ कैटफिश पाई गई है। ठीक है, ये हरहा नदी कहाँ है, तो ये उत्तरी बिहार में है, रामनगर दून और सोमेश्वर पहाड़ी के बीच में बहती है ये हरहा नदी। आगे हम लोग चलते हैं, 23 सितंबर को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी आदि। और इनके बारे में कि उनका जन्म बेगूसराय में एक जगह है सिमरिया, वहां हुआ था। वर्ष 1959 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के गोपालगंज के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस बार जो एग्जाम हुआ है 67 BPSC का री एग्जाम, उसमें भी मेडल से रिलेटेड एक प्रश्न था, तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के गोपालगंज के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सारे न्यूज कवर कर लिए हैं हम लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं आज के प्रश्नों पे, जिसके जवाब आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है।
इसमें पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाना है? आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका, या फिर डी इंडोनेशिया, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, बी उर्वशी, डी रश्मिरथी, सॉरी बी उर्वशी, सी दायभाग, या फिर डी रश्मिरथी, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तीसरा प्रश्न है कि निम्न व्यक्तित्व में से किन्हें पीएम केयर फंड्स के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए मुकेश अंबानी, बी रतन टाटा, सी नल्ला थंबी कल्लाई सेल्वी, डी केटी थॉमस वकरिया मुंडा, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। और अगला और अंतिम प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए वर्ष 1932, वर्ष 1933, वर्ष 1934, या फिर वर्ष 1935, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। और किन्होंने की थी इसकी स्थापना, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आज के बस इतने ही प्रश्न हैं और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।